Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपके सामने चल रही हैं, तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके जवाब में मुझे लगा कि मुझे खुद ही बात करनी चाहिए, इसलिए मैं, हालांकि आज इतवार का दिन था और काइंड ऑफ ज़रा थोड़ा सा कम गहमा गहमी का दिन था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि आज बरसात का मौसम है जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो पतंगे और हशरात होते हैं ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं इस मौसम में, तो उनके कला कमा के लिए मैंने सोचा कि मैं आऊँ। अच्छा, मेरे बुनियादी तौर पर मेरे दो चैलेंजेस हैं मेरी ज़ात, अपनी ज़ात के लिए। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अंदर ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं, और हमारे लीडरान में भी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, असद उमर साहब हैं, उनकी फैमिली अजीज़ अकारब हैं सारे, लेकिन मसला ये कि इमरान खान के जो मुखालफ हैं वो बेशरम चिट्टे अनपढ़ हैं और परले दर्जे के बेशरम हैं। अब मेरा काम है उनको जवाब देना, उनको जवाब दूंगा उनके लेवल पे जाके तो उन्हें समझ आएगी, वरना आएगी नहीं। जब उनको जवाब देने के लिए उनके लेवल पे जाता हूँ तो मेरी पार्टी के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, गिल साहब आप अमरीका में प्रोफेसर थे, आप क्या बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मुझे कई दफ़ा असद साहब ने कहा कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, आप पढ़ी लिखी बात किया करें। पर मसला ये है कि जिस तरीके के ये हशरात आपके सामने आए जो बरसात में निकलने वाले हैं, आज आपने देखा, मैं है थोड़ी मायूब बात लेकिन जो बात है वो आपको बतानी चाहिए, मैं आज आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा, आपको बताऊँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, करवाई किसने, कैसे हुई, क्यों फेफड़ों के अंदर ज़्यादा सांस भरा जा रहा था, उस गुब्बारे में जिसमें जगह कम थी उसमें हवा ज़्यादा क्यों भरी जा रही थी, तो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीन नुक्ते थे, अगर आप सामने रख लें, टोटल तीन नुक्ते। पहला नुक्ता था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमने चंद दिन पहले एक स्टोरी ब्रेक होते हुए ARY पे देखी, जिसके सबूत भी देखे, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, पहला नुक्ता उसका था, और वो था इमरान खान साहब को फौज मुखालिफ साबित करना। ये हमने आज से एक हफ्ता पहले बता दिया था कि नया अब धनिया बेचने की कोशिश की जानी है, ये पहला मुद्दा था उसका। उसी मुद्दे के अंदर शामिल थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की वकालत करना, उनके स्पोक्स पर्सन बनना, उनके दबा के बूट पॉलिश करने की कोशिश करना, वो जो दोनों हजरात थे आपने वो भी देखा, ये था पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसके अंदर था इमरान खान साहब की ज़ातियात के ऊपर कीचड़ उछालना, इमरान खान साहब की अहलिया साबिका खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम साहबा, उनके बारे में गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना, उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल करप्शन का स्कैंडलाइज करने की कोशिश करना, और तीसरा हिस्सा था एक कल जो जाली ऑडियो टेप लेके आए, तीसरा हिस्सा वो था। तो ये तीन हिस्से थे, तो तीनों पे एक एक करके बात करूँगा। सबसे पहले तो पहले हिस्से पे बात कर लूँ, तो मैं पहले हिस्से पे, क्योंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हम नून लीग नहीं हैं, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियाँ नहीं देते, हम उस वक़्त के DGISI जनरल फैज़ को गालियाँ नहीं देते, हम नून लीग की तरह डॉन लीग्स नहीं करते, हम पीपल्स पार्टी की तरह, आपको याद है, मेमोगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि हमारे लीडर को ये बात पता है, और कल उन्होंने अपनी, पीछे खामोशी रखिएगा जी, कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की ज़रूरत है, ये कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा। ये वजह है कि हम किसी सूरत कभी भी अपनी आर्मी पर तनकीद नहीं करते। लेकिन मुझे आज थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, वो ये हुई कि हमारी बहादुर अफवाज जो हैं, जिनका एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है जनरल बाबर इफ्तखार, अब क्या उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो इस तरीके के सियासी जोकर होंगे? मतलब उनकी जो स्पोक्स पर्सन करने की जिम्मेदारी है वो ये सियासी जोकर लेंगे? तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी हरकत करके
ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे और पूरी हरकत करके कोशिश ये थी कि किसी सूरत ये दिखाया जाए कि इमरान खान फौज के मुखालिफ है, हम फौज के बहुत करीब हैं। तो ये केस मैं अपनी बहादुर अफवाज पे छोड़ता हूँ कि क्या वाकई उन्हें कबूल है इस तरह के गंदे परगंदे चोर घटिया सिफ्त लोगों से अपनी तर्जुमानी करवाना। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये दिली ख्वाहिश होगी, लेकिन इनकी और इनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की ये दिली ख्वाहिश है। और पता करना चाहिए कि इसके पीछे और कौन है जो जनरल बाजवा को कंट्रोवर्शियल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमने तो नाम नहीं लिया उनका, आज ये बार बार वीडियोस दिखा रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे। तो ये अपने ही आर्मी चीफ को ये जानबूझकर जनरल बाजवा साहब को ये कंट्रोवर्शियल करने के लिए कि हमारी तरफ से कोई उन पर बात आए, ये जानबूझकर गंदे घटिया सियासी लोग उनके स्पोक्सपर्सन बनने की जाली कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम मैं जनरल बाजवा साहब की टीम के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे ज़ाती ख्याल में जनरल बाजवा साहब पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें इस तरह के थके हुए तरक्के हुए स्पोक्सपर्सन की ज़रूरत पड़े। ये काम मेरा ख्याल है इनको शहबाज शरीफ के लिए ही करना चाहिए, पंजाब स्पीड के लिए करना चाहिए। वो बात अगली बात बयानिए पे मैं बाद में वापस आता हूँ, जो गद्दारी का बयानिया अगली बात मैं करूँगा। एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये अतात आरड़ जो है, ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये क्योंकि नेचुरल तरीके से सियासत में पैदा नहीं हुआ, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफर कर रहा था वीडियोस का, तो मैं दोबारा बताता हूँ कि आपकी और तरबियत में हमारी में फ़र्क है। आपने तो पंजाब असम्बली में जहाँ औरतें, आपके घर की औरतें भी, मीन नून लीग की भी औरतें मौजूद थी, हमारी औरतें भी मौजूद थी, वहाँ आपने एक चीज़ खड़ी की थी, तो मुझे पता चला कि आपको घर में सालन भी मांगना पड़े तो आपको वही खड़ा करना पड़ता है इशारा। तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे खड़े करके एक दूसरे से अपने घर की खवातीन से अपने लोगों से बात करने की, तो आप वही काम बाहर करते हैं, तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊँगा इस एक चीज़ में। बाकी ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो लीडर हैं मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं एक औरत होने के नाते, इसीलिए जो आज मैं बातें बताने लगा हूँ उसमें मैं मरियम साहबा के जो फ़ोन के अंदर डाटा था उसमें क्या था, क्योंकि हम उनका एहतराम करते हैं, उसको मैं साइड पे रखता हूँ। बाकी आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैप में पकड़े गए थे उनके फोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, वो किन किन कमजोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज में अहम हैं, वो किस तरीके से एक नहीं दो दो चीज़ों में माहिर हैं, वो सारी चीज़ें आवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फ़ोन के डाटा को साइड पर रख दिया, बाकी सब के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अतात तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियां बेचते हैं, इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की औरतों के घरों की बातें करता है, इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी ज़ुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, वो बुज़ुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने ख़रीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज़ कहूँगा, गुस्सा कर लिया जाता, हमारी ज़ुबान पे तो बड़ा ही ताप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी ज़ुबान बोलता हूँ। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेज़ी वाला कबूल है, अंग्रेज़ी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है, जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है आपने वैसी बातें करनी है लोगों की औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं मरियम बाजी के बारे में जो ज़ुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क्यादत और लोगों से ये माजरत चाहता हूँ कि जब आपको एतराज़ होता है मेरी ऐसी बात करने पे
तो मसला ये है कि जो जो आप मुंह है हो जी चपेड़ मारांगे ना, ये खसलत गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी, पहली मैंने आपके सामने रख दी, दूसरी काविश आपके सामने अब मैं रखता हूं, और वो ये है कि आपको तीसरी बात जो मैं आपके सामने अब रखता हूं, दो बातें मैंने कर दी, तीसरी आपके सामने रखता हूं। तीसरी बात इन्होंने की फरा गोगी साहबा के बारे में, और कुछ क्योंकि मिला नहीं हमें तो इनके, हमने तो वॉल्यूम के वॉल्यूम जमा करवाए हुए इनकी करप्शन के, डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मकसूद चपड़ासी हैं, उनके अकाउंटों से निकले हुए पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब की तीन तीन चार चार बेगमात गर्लफ्रेंड्स उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं, हूँ जड़ियाँ चारों भाबियां ने वजीर आजम साहब जड़े ने करप्टे आजम उन्हें कुटड़ना लग पैना, वाकई है ने कोई एक दो और सहेलियाँ भी, सो उनके लिए खरीदे हुए तोहफों की डिटेल्स हैं। सो हम तो सब कुछ दे चुके हैं, ये बार बार एक ही गर्दान गनते हैं फरा बीबी। अच्छा इल्ज़ाम क्या है, पंजाब के अंदर डीसी एसी कमिश्नर लगवा कर पैसा कमाया। अच्छा एक मिनट के लिए इस इल्ज़ाम पे आ जाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, आप सारे साफ़ी बैठे हुए हैं, ज़रा पता कीजिए हमारे ज़माने में डीसी लाहौर कौन था, पता कीजिए हमारे ज़माने में डीसी डीजी खान कौन था, पता कीजिए हमारे ज़माने में, चले मैं एक और केस स्टडी बताता हूँ, डीसी मुल्तान कौन था, बड़ा शहर है, आज डीसी मुल्तान इन्हों के घर का प्रौणा है, पूछो इन्हों कौन है वो, आज पूछे वही डीसी मुल्तान कहाँ पे लगा हुआ है, आज पूछे आज डीसी लाहौर कहाँ लगा हुआ है, डीसी फैसलाबाद कहाँ लगा हुआ है जो हमारे ज़माने में था। तो अगर हमने पैसे लेके डीसी लगाए थे तो इन्होंने क्या लेके डीसी लगाए हुए हैं वो, अगर हमने उन डीसीयों से पैसे लेके डीसी लगाए थे तो इन्होंने की लिया या की देता है। सब बकवास करने से पहले दिमाग इस्तेमाल किया करें, ये नहीं कि आपका किसी ने पटा खोल दिया तो आपने मुंह खोल लेना है, आपका पटा खुल गया पर मुंह तो बंद रखें, आपके पटे की लीश किसके हाथ में ही हमें पता है, और ये वक्त जो है ना जैसे सूरज ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, ये वक्त बदल जाता है, वक्त बड़ी जल्दी बदल जाना है, जितना तुहाडे पल्ले ना उनिया चांगरा मारो, क्योंकि बाद में तुहाडियां सुकियां चांगरा निकलनिया ने, मैं दस रहा थानू जिदी तुहाडे फेफड़िया जान है उनिया चांगरा मारो। सो मैं वापस आता हूँ, अगर डीसी हमने पैसे लेके लगाए थे तो आज वो डीसी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो अगर वही डीसी सब लगे हुए हैं तो फिर प्रोपागेंडा किस चीज़ का है, तुहाडे फुफी के पुत्र ने तुसी एस डी लाए ने ते असी उन्हां कोलों पैसे लेके लाए ने। सो अगर सारे अफसरान, आज का सैकटरी खारजा कौन है बता दें, अच्छा तोशा खाने पर बड़ा रौला डालते हैं, तोशा खाना किसके कंट्रोल में होता है, सेक्रेटरी कैबिनेट के, तो आज का सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है, अगर इमरान खान ने गलत किया तो सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं किया होगा, तो आज आपका सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है, वही सेक्रेटरी कैबिनेट है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया इसलिए वो आज भी बैठा हुआ है, गलत किया होता तो आप उसको जेल में डालते, अगर उसने गलत नहीं किया तो फिर इमरान खान ने कैसे गलत कर लिया। कहता है तोशा खाना वजीर आजम के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और जेड़े बिजली घर के विचों पैसे तुसी खादे सन सारिया ने वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, $5 अरब जो हैं वो आप लोग $20 अरब में से खा गए थे, जिसकी वजह से आज महंगी बिजली बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने मुंह से मान रहे हैं, इतने बेशर्म हैं आप कि बिजली इतनी महंगी बन रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हम बिजली बंद रखते हैं, ना आपसे बिजली दी जा रही है, ना आपसे गैस दी जा रही है, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपसे डॉलर रुक रहा है, ना आपको, आप कल कहते थे IMF जो है उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ है, इमरान खान और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज पे हैं, इमरान खान और IMF मिला हुआ है, और अब कह रहे हैं IMF इमरान खान की बात नहीं मानता, वो उन पे यकीन नहीं करता, हम पे यकीन करता है। अगर आप लोगों पे यकीन करता होता तो आपके पल्ले कुछ डल भी जाता, एक तरफ वो इमरान खान के साथ मिला हुआ था, आज वो आपके साथ मिला हुआ है, एक तरफ IMF के पास जाना बहुत बड़ी साजिश थी, आपको पैसे मिल जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। सो इसलिए आप आवाम को ये मत समझिए कि आवाम बुद्धू है या आवाम को पता नहीं है। मैं अगली बात पे आता हूं,
ये जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है इसके बारे में हमारे पास शवाहद आ गए हैं, कुछ चीजें अभी और आने की वेट कर रहे हैं, आपके सामने लाएंगे कि नया ट्वीट करवाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, रीट्वीट कराने के कितने पैसे दिए जाते हैं, कंटेंट क्रिएट करने के। तो मैं दोबारा फहद हुसैन आपको बता रहा हूं, फहद हुसैन आप एक गीदड़ हैं, आपने आजाद सहाफियों को बदनाम किया है, आप यहां पर बैठ के कॉलम लिखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और आजाद सहाफी बनते थे, ये जितने सहाफी यहां बैठे इन सबकी तौहीन है। आपका चेहरा है येलो जर्नलिज्म। आप पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेल पे और जिन जिन के कहने पे कर रहे हैं हमारे इल्म में है। हमारी गवर्नमेंट आने दो, पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। स्त्री फेरने का मतलब कोई रियासती मशीनरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे, आपका कानूनी तरीके से एहतसाब करेंगे, आपको कानून के नीचे लगाएंगे, आपके सारे बल निकाल देंगे। सो अगली बात मैं आपको कर दूं, पंजाब के मैंने ऑफिसर्स की बात भी कर दी, मैंने आपको मोबाइल फोन्स का जो डाटा है उसके अंदर जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि ये पाकिस्तान ने पोर्नोग्राफी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, सिर्फ वही डाटा इशू कर देना इनके लीडरान के फोनों से जो निकला है, तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट देखने की। ये जो बड़े फनकार बैठे बातें कर रहे थे, हमने आपका अंदर और बाहर दोनों देखा हुआ है, हमें पता है बाहर से कितने बदसूरत हैं और अंदर से कितने बदसूरत हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर से कितने कमजोर हैं और अंदर से कितने कमजोर हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं और अंदर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं, हमें सब पता है। वहां तक ना जाएं जहां पर आपकी स्किन जले, वहां तक बातें करें जहां तक आपकी करनी बनती है। आखिरी बात मैं आपसे करूंगा गद्दारी के ऊपर, कल एक टेप लेके आए आपके सामने रखी गई, टेप का हमने कुछ नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। पकड़ाई या नहीं पकड़ाई, हर बंदे की एक प्रोनंसिएशन होती है, अल्फाज होते हैं वो कैसे बोलता है। आवाज तो आप सॉफ्टवेयर से मैच कर लेंगे, अल्फाज के लिए आपको अकल चाहिए। वो किसी बेवकूफ ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, एक ही लफ्ज की अदायगी दो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। आप साफी हैं, आप सारा दिन ये वाला काम करते हैं, आपको बड़ी अच्छी, आप लिखा हुआ भी पहचान लेते हैं ये किसने लिखा हुआ है, ये आपका काम है तो इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहां पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अतात आरड जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तो क्या करते हैं, इनकी इनकी नहुसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है और ये कर ही नहीं कुछ सकते। दोबारा दूसरी उसी बात पर मैं वापस आता हूं, एक बात की, ओ जी एक ओपन एंड शट केस पकड़ लिया हमने। ओपन एंड शट केस क्या है कि 10 एकड़ का प्लॉट जो फिडमेक है फैसलाबाद में वो 80 करोड़ का है और वो 8 करोड़ में बेच दिया गया। आप उनकी वेबसाइट पे अभी जाइए, अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी इस वक्त जाइए, फी एकड़ 75 से 85 लाख उसकी कीमत है आज, और इनकी हुकूमत में जो अलॉट हुए हैं उसका भी डाटा निकाल लीजिए, और वो अभी भी वहां बहुत सारी जमीन पड़ी है जो अगले दिनों में अलॉट होनी वो भी निकाल लीजिए। वो 75 से 85 लाख रुपया फी एकड़ उसकी कीमत है, उस पर उसने अलॉट होना है, मोटरवे पे है शहर से बहुत बाहर, उस पर उसने अलॉट होना है, तो उसकी 8 करोड़ की कीमत बनती है। 60 कह रहा है, ये आज 20 करोड़ दे मैं वो प्लॉट इसको देता हूं, लाइए। ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं कहता हूं ये 20 करोड़ रुपए का चेक ले आए, आज ही प्लॉट इसको दिलवा देते हैं उनसे मेहनत करके जिनका है इसा। और फैसलाबाद में 20 और प्लॉट है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये 10 एकड़ के प्लॉट का 20 से 25 करोड़ रुपया दें, मैं इन्हें दिलवाता हूं वहां पे प्लॉट जितने चाहिए। उसकी कीमत ही 85 से 75 लाख रुपया फी एकड़ है और वेबसाइट पे मौजूद है। आप फैसलाबाद में किसी से चैंबर के लोगों से इंटरव्यू कर लें, किसी से इंटरव्यू कर लें, सबको पता है उसकी कीमत क्या है, और ये इसने ओपन एंड शट केस इसने पकड़ा है। सो इसलिए गलाजत करें वो आपने करनी है, हमें पता है आपको मुंह की बवासीर है, हमें पता है आपने ये कब बातें करनी है, आप नहीं रुक सकते, आपकी तरबियत ये, आपने बार बार दिखाया आपकी तरबियत क्या है, आप आइंदा भी करेंगे, लेकिन उतनी करें जितनी पाकिस्तान की आवाम जो है उसको बर्दाश्त कर जाए। आगे आपके सामने ये बेहतरीन जर्नलिज्म रखने लगा हूं मैं। जब मेरी सीनियर मैनेजमेंट के साथ बात होती थी जियो टीवी की हमारी हुकूमत के दौरान, तो मुझे एक बात कहते थे,
मुझे आज भी याद है, उसके गवाह हैं, इरशाद भट्टी उसके गवाह हैं, और मुझे कहते थे कि हम पाकिस्तान का बेहतरीन मीडिया हैं, हम कभी जाती स्कैंडल नहीं करते, हम खबरें करते हैं, हम कभी भी लोगों की, औरतों की, बेडरूम की इज्जतें नहीं उछालते। ये मुझे उनके मालकान, ये मुझे उनकी सीनियर मैनेजमेंट कहती थी माफ़ कीजिएगा, और इसके गवाह मैंने दोबारा कहा, इरशाद भट्टी इसके गवाह मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में कहा था। जियो टीवी पिछले 3-4 महीने से क्या कर रहा है और उससे पहले भी क्या करता रहा है वो आपके सामने, एक ही काम है लोगों की, औरतों की इज्जतें उछालना। यार कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो, अपने आबाओ अजदाद की इज्जत का कुछ ख्याल करो। आपके पास यही सहाफत रह गई है कि आपने लोगों के घर की, आपके पास और कुछ नहीं है। कितना कुछ है यार, कितना कुछ है सियासत में बात करने का। ये इनका अखबार है जी, ये मेन पेज है इस अखबार की, 2 नंबर ही चेक करें। ये मरियम बीबी की जलसी है लाहौर के अंदर, जो सबने देखा उसमें कितनी पब्लिक थी, कॉर्नर मीटिंग थी, जो नून ने उसे खुद कॉर्नर मीटिंग कहा था। ये उसकी तस्वीर लगाई हुई है, इस्लामाबाद का एडिशन है ये, मैं लाहौर का एडिशन नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद का एडिशन है। और कल यहां पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा जलसा, वो कहीं मौजूद नहीं है फ्रंट पेज के ऊपर उसकी तस्वीर। जब इस तरह की 2 नंबर सहाफत होगी, जब ये जर्नलिज्म होगा, आप कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट खोल लें, आप कोई इस तरह की येलो जर्नलिज्म करना शुरू करें, बल्कि आप ऐसा करें, मेरा मशवरा ये है, लोगों की नंगी वीडियोस अपने चैनल पे चलाया करें, अब आपका धंधा और काम वो रह गया है, वो करें ताकि आपको थोड़ा सुकून आए। आप अभी तो हमारे जिस्मों के ऊपर कपड़े हैं, उतार दें, ये भी कुछ ना कुछ गुनाहगार तो हम भी होंगे ना कोई गुनाह तो करते होंगे, हमारे भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अंडरवेयर बनियाने उतार दें, ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का, तो आप अपना शौक पूरा करें। तो ये जो आप शुरू करते हैं ना वीडियोज और ऑडियोज, और लोगों के घर की औरतों पे करते हैं, तो आपके घर के अंदर भी औरतें हैं, आपके घर के अंदर भी फैमिलियां हैं, आपके भी किस्से होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के पोते आप भी नहीं हैं, आपके भी किस्से होंगे, आपकी आप भी गुनाहगार इंसान हैं। कोई शर्म करें, सहाफत करें, बगैरती ना करें, मेरा आपसे ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो ये कर रहे हैं। तो ये जिस धंधे में आप पड़े हुए हैं, अब आप हमें वहां तक ले आए हैं कि जो बात आप करेंगे उसकी दुगनी आवाज में आपको जवाब होगा। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, हम आपकी औरतों का एहतराम करते हैं, इमरान खान की यही तलकीन है, हर सूरत आपकी औरतों का एहतराम मलहूज़े खातिर रखेंगे, हम आपके लेवल पर नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर आपने दोबारा खातून अव्वल के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, तो मैं इस टेस्ट ट्यूब बेबी को बता रहा हूँ कि फिर आपको उसी ज़ुबान में जवाब आएगा। बहुत हो गया आपके खिलाफ, फरा बीबी के बारे में कुछ है, खातून अव्वल के बारे में, अदालतें खुली हैं आपके नीचे हैं, करें जाकर अपनी। आपने जमायमा के ऊपर भी जाली केस किया था, आपने लोगों की औरत, आपने तो अपने घर की औरतें, आयशा अहद को छोड़ा था आपने, आयशा अहद की जवान बेटी को छोड़ा था आपने, आपने उनको थाने में जूते मरवाए थे, वो खुद कहती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके हमजा मान गया था मेरी बीवी है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी बीवी थी चीफ जस्टिस के सामने, वहां पर जाके मान गया कि मेरी बीवी है, और उसी बीवी को थानों में। तो आप अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करते, अपने दूसरों की क्या करनी है। लेकिन ये माशरा इतना नहीं गिरा कि आपकी गलाजत को बाय करे। तो मैं वापस रिवर्स पहले पॉइंट पे आता हूं कि आज जिस किस्म की इन्होंने हमारे इदारों की स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश की है, ये जिन इन्होंने जनरल इफ्तिखार बाबर की तौहीन की है, इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तौहीन करने की कोशिश की है, इन्होंने मुल्क के आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में आर्म्ड फोर्सेस को इन्हें एक पैगाम देना चाहिए कि तुसी एडे लाइक नहीं, तुसी अपना गांधी तो लो तो बड़ा है, अपनी बात हम खुद कर सकते हैं और हमें करनी आती है। तुसी ते आप मेरा ख्याल एरियल खरीद लो, तुहाडे कपड़े ते जिन्ने दाग ने उतने दाग तो मेरा ख्याल ही शायद किसी के कपड़ों पर भी हों, तो पहले अपने दाग धो लें फिर दूसरों की बात कर लें। शुक्रिया। ठीक हो गया, आगे आ जाए।
उसका मैं जवाब आपको दे चुका कि ये पहली दफा नहीं है। मैं आसान देता हूँ, मुश्किल लग रहा है आपको तो आसान देता हूँ। नहीं मैं देता हूँ, आपने अब सवाल कर लिया ना, मैं बताता हूँ। देखिए बात ये कि पहली ये पहली ऑडियो और वीडियो नहीं है जो फेक तैयार की गई है, ये पहली नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये पहली दफ़ा ये हरकत नहीं कर रहे। मसला ये कि और एक चीज़ तो क्लियर कर दी आपने, अगर देखा होगा तो एक चीज़ मलिक साहब क्लियर कर गया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जो साजिश होती है ना वो छुपाई जाती है, यही कहा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि जो साजिश होती है वो छुपाई जाती है। तो यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, साइफर आया, साइफर छुपाया गया, साइफर छुपाया गया शाह महमूद कुरैशी से, साइफर छुपाया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। तो यहीं से तो साजिश का आगाज हुआ था, वो तो फिर गले में उंगली डाल के निकाला गया वो साइफर। तो आज मलिक साहब ने एक्चुअली अपनी खुद इंडाइटमेंट कर दी है, इस सारे बयानिए पे उन्होंने मोहर लगा दी है, उन्होंने बता दिया कि साजिश वो होती है जहां पर कुछ छुपाया जाए। तो आज की जो साजिश है वो आपके, आज जो उनका बयानिया है उसने हमारे बयानिए को असल में प्रूव कर दिया है कि साजिश वो होती जो छुपाए। और हमें बार बार कहा गया, बार बार कहा गया कि साइफर का नाम ना लें, इसको खुफिया ही रहने दें, इसको छुपा हुआ ही रहने दें। बार बार कहा गया, बार बार मौकों पे कहा गया। तो पहले छुपाया गया, जब वो हमारे सामने आ गया तो फिर हमसे रिक्वेस्ट की गई कि छुपाया, इसको छुपाया जाए। तो इसलिए ये तो आप मलिक साहब खुद बता गए कि साजिश वही होती है जो छुपाई जाए। एक एक करके, एक एक करके मैंने तो ये महीना पहले बता दिया था कितनी सीटों का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है धांधली करने का, किसके साथ मिलके किया हुआ है, कौन सारी गवर्नेंस हो रही है, ये सब कुछ हमारी पार्टी सामने ला चुकी है, सारी बातें कर चुके हैं। बाकी पब्लिक में मैं आपसे आपको मैं इन्वाइट करता हूँ, कोई आप में से चार बंदों का ग्रुप बना लें, आप चूज कर लें अपनी मर्जी का हलका, मैं आपको गाड़ी ड्राइवर प्रोवाइड करूंगा, वहां डोर टू डोर सर्वे कर लें, आपको वोटिंग पैटर्न सामने आ जाएगा। 70-80% पीटीआई का वोटर है, इन्होंने कितों जित लेनी है सीटा, ये फिर तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है। इधर ले लें सवाल सीनियर आदमी, अगर फराज होगी की बात की जाती है, आपसे सवाल किया जाता है, उनके ससुर को इन्होंने सबाई वजीर बनाया, उनसे पहले क्यों नहीं पूछा जाता? आपसे लीमा बाजी के बारे में तो पूछा जाता है, उनके शौहर जो इनके एमपीए रहे हैं उनसे क्यों नहीं पहले, सबसे पहले घर से क्यों नहीं पूछते? देखिए दो बातें ज़हन में रखिए, हमारे में और इनमें यही फर्क है। नवाज शरीफ ने कहा था ना, मेरे असासे आमदन से जायद हैं, तो किसी को की तो अनु की तकलीफ, हम ये नहीं कहते, हम जवाब देते हैं। हमारा और इनका फ़र्क ये है, अगर ये किसी को हमसे एसोसिएट करते हैं हम जवाब देते हैं। ये तो बड़ा आसान जवाब है हमारे लिए भी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि फरा साहबा के ससुर जो हैं वो इनके सूबाई वजीर, इनके एमपी हैं, बड़ा आराम से जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हमारी और इनकी फितरत में यही फ़र्क है। बिल्कुल अभी भी कोशिश करेंगे, कानून मौजूद ही नहीं है ऐसे, जब बनता है तो आप शोर मचा देते हैं साथ, हालांकि आपने सही खबरें देनी होती। गलत हो गया, हो गया सवाल का अगला सवाल, अगला कोई है सवाल, लंबा हो गया ना, हो गया। क्या सबसे पहले ये आपको पता है किसने छुपाया? आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं जाना है तुसी दस दियो। उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में आ चुकी थी, उस टाइम सुन ले सवाल करे ना, मुकालमा तो ना करे ना, एक तो आजकल हर जगह मुकालमा करने का शौक है। उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में थी, उस टाइम हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ऑलरेडी हो चुकी थी, उस टाइम हम ऑलरेडी उस साजिश का मुकाबला कर रहे थे,
उस टाइम सारी एनर्जी उस साजिश के ऊपर लग रही थी, उस टाइम मुहासबा करना मुमकिन नहीं था, और अगर किया जाता मुहासबा तो फिर भी उन लोगों को बड़े आराम से छुड़ा लिया जाता। यहाँ तो मकसूद चपरासी को नहीं पकड़ने दिया गया तो उसको क्या पकड़ने देना था। मैंने आपका सवाल ले लिया, देखिए बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन के ऊपर सारी बातें की गई हैं ये नवाज शरीफ ने करवानी शुरू की हैं। नवाज शरीफ ने और मरियम सफदर ने खुरम दस्तगीर से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई एक्सटेंशन के बारे में, नए आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में। ये सारी गलाजत फैलाने के लिए, हमारी आर्मी को, आर्मी चीफ को कंट्रावर्शल करने के लिए, आर्मी के अंदर रिफ्ट क्रिएट करने के लिए। फिर वो वीडियो उतर गई मीडिया से, वो क्यों उतरी वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, वो रात आई फिर उतर गई। तो ये सारी उसके बाद सोशल मीडिया पे भी बहस, हमने पहले भी कहा हम एक जुम्मेदार पार्टी हैं, हम अपनी फौज को किसी भी सूरत वीक करने की किसी बात में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, ना कभी बने हैं ना बनेंगे। ये जो बहस है ये बिल्कुल इस वक्त की बहस नहीं है, जब वक्त आएगा इसके ऊपर बात होगी। अभी ये बात करके हम अपने आर्मी चीफ और अपनी फौज को बिल्कुल किसी सूरत कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते, ये इनका कमाश है, गुड कॉप गॉड बैड कॉप, और इन्होंने खेला है इनको खेलने दे। आप पहले ये बताएं कल के जलसे से खुश हैं आप? तो बस इससे ज़्यादा हमें और क्या खुशी होनी है कि आज़ाद इंडिपेंडेंट लोग ये गवाही दे रहे हैं कि कल का जलसा जानदार था, तो हमें ये नज़र आ रहा है। देखिए इस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 120 रुपए वाला, 140 रुपए वाला, 150 रुपए वाला पेट्रोल तो बहुत महंगा लगता था, आपको 300 रुपए वाला पेट्रोल सस्ता लगता है। अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम तो रिएक्ट करेगी। हाँ जी, हाँ जी, लें जी सवाल पीछे, आज पहली दफा कैमरा मैन ने सवाल। अच्छा पहले तो मुझे समझ नहीं, तंजीम साजी केड़े वाली तंजीम साजी? नहीं वो अजकल इन्होंने तंजीम साजी का नवा नाम ही रखा होया ना, इन्होंने कोड भी और ने इन्होंने तंजीम साजी किसी और शहर में किया। मैं डर गया, मैं क्या साडा कि हाई लैवल से तंजीम साजी। सो एक तो देखिए बात यह है कि हमारी पार्टी एक पोलिटिकल पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी में बादशाही नहीं होती, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। आज एक बंदे के पास एक होता है दूसरे, तो जब भी चेयरमैन को कोई चीज़ मुनासिब लगती है वो करते हैं। इस टाइम हमारी पार्टी बेहतरीन, तमाम उसके अकाबरीन बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इस टाइम ऐसी कोई चीज़ जेरे गौर नहीं है, लेकिन अगर कभी होगी तो आपसे शेयर करेंगे। देखिए बात यह है ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त बनता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो ना होता तो आपका जवाब दुरुस्त होता कि आप केपीके की असम्बली से इस्तीफा दें तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। केपीके की पंजाब की असम्बली में स्पीकर के होते हुए एक होटल के अंदर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जाली इजलास बुला के जिस तरह बजट पास करवाया गया, उससे तो बेहतर था कि तमाम मेंबरान को बेचारों को दो दो डंडे मार के उनसे अंगूठे लगवा लेते और बजट पास करवा लेते। तो जब वो हो सकता है तो केपीके की आप असेंबली तोड़ें तो दिल करें उन्हीं लोगों को कैद करके उन्हीं से असेंबली करवा के उन्हीं से सारा काम करवाया जाए। तो ये चीज़ें बेमानी हैं जब तक पूरे मुल्क में नए इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तैयारी ना हो। शुक्रिया जी, बस हो गया। आप मेरी जान लंबा कर देते ना सवाल छोटा के रखें। नहीं सवाल तो आपका नॉर्मल, बस ये है कि वो ना थैंक यू सबका बोल दिया करें, सिर्फ एक इदारे के ना बोला करें। हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे कवर किए हैं, अनाउंसमेंट सिर्फ एक इदारे की होती है। किसकी? मैंने तो आपको पता है, आपने खुद भी उसी का नाम लिया। किसका?
एक मखसूस इदारे का मैं तो आज किसी का नाम ही नहीं लिया क्योंकि सब सर मैं पूरे पाकिस्तान जैसे आज नहीं नाम लिया ट्वीट ट्वीट किया सर अच्छा गिल सर गिल सर समा वैसे 3% पे आ गया बेचारा क्यों उसके साथ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.